दिल का दिल से रिश्ता कैसा। रिया समीर की ओर देखती है तो वहाँ उसके साथ कोई कमसिन हसीना नहीं बल्कि एक बड़ी उम्र की बुढ़िया को पाती है। रिया ये देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, मैंने तो सोचा था कि समीर पक्का यहाँ किसी हॉट सी लड़की के साथ रोमांस बनाने आया होगा, मगर ये तो। तभी समीर की नजर रिया पर पड़ती है। अरे रिया, मैंने तुमसे मिलाना तो भूल ही गया। यह है मेरी सबसे सुंदर, सबसे प्यारी प्रेमिका, मेरी नानी। रिया समीर की नानी की ओर देखती है। ओह माय हैंडसम लवर। और नानी, यह है मेरी सबसे अच्छी दोस्त रिया। नानी रिया की ओर देखती है। रिया नानी के पास जाकर उनके पांव छूती है, पर नानी रिया का चेहरा सहलाकर उसे सीने से लगा लेती है। ये मेरी बहू है ना? वो नानी, मैं समीर, वो। अरे नानी, तुम भी ना। नहीं, मैं और रिया सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। क्यों रिया? ये सुनते ही वह समीर के चेहरे की ओर देखती है। हाँ, सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त। अच्छा नानी, मैं अभी आया, तब तक तुम और रिया बैठकर बातें करो। और समीर वहां से चला जाता है। नानी रिया को अपने करीब बिठाती है और उसका चेहरा निहारने लगती है। तभी समीर को याद आता है कि वह अपना पर्स तो हॉल ही में छोड़ आया, और वो वापस लौट कर आता है। तभी खिड़की से अंदर झांकता है और रिया को नानी के साथ बैठा देखता है। कितनी सादगी, कितनी मासूमियत है इस लड़की में। नानी, ऐसा क्या देख रही हो, क्या हुआ? एकदम सुषमा की तरह लगती हो तुम। वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी, इतनी ही भोली, मासूम और थोड़ी चंचल भी। सुषमा वो कौन थी नानी? मेरी बेटी और समीर की माँ। बड़े दिनों बाद आज उसकी इतनी याद आ रही थी, पर तुझे और समीर को देखा तो दिल को ठंडक मिल गई बेटा। रिया ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो रही थी कि तभी नानी रिया के उसके माँ बाबा के बारे में पूछ लेती है। वो नानी, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस बच्चों को नाच गाना और नाटक सिखा देती हूँ और मन लग जाता है। ना मेरी बच्ची ना, ऐसा कभी ना सोचना कि तेरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना तेरी नानी, आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आ। और रिया रोते हुए नानी से लिपट जाती है। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि अपनों का प्यार कैसा होता है। दूर खड़ा समीर भी रिया और नानी के ऐसे रिश्ते को देखकर एकदम इमोशनल हो गया था, और वह अपनी नम आंखें लिए वहां से चला जाता है। अच्छा रिया, मुझे जरा ये तो बता, कहीं उस नालायक ने तुझे तंग तो नहीं किया? बचपन से ही वो बड़ा ही शरारती था, मगर सच कहूं तो दिल का एकदम भोला और डरपोक सा है मेरा समीर। डरपोक क्यों नानी? रिया, समीर ने जिंदगी में अक्सर ही अपनों को खोया है, पहले अपनी माँ, फिर पिता और फिर अपने लाडले नाना को भी, और इस वजह से अब वो किसी को खोना नहीं चाहता। इसलिए कोई उससे दूर जाए, इससे पहले ही वो खुद ही उससे दूर चला जाता है। ओह, अब मैं समझी समीर किस लिए एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता है और एक भी लड़की को कमिटमेंट नहीं देता। रिया बेटी, तू उसकी बहुत अच्छी दोस्त है ना, मुझसे वादा कर कि तू उसे कभी नहीं छोड़कर जाएगी। आज तक समीर ने मुझे पहले कभी अपने किसी दोस्त से नहीं मिलाया है। मुझे पता है तू बहुत खास है, इसलिए मुझसे वादा कर कि तू मेरे समीर के साथ हमेशा रहेगी। और रिया नानी का हाथ थाम कर उनसे वादा करती है और गले लगती है। हाँ नानी, मैं हमेशा समीर के साथ ही रहूंगी। और नानी खुश होकर रिया से ढेरों बातें करती है। तभी समीर भी वहां आ जाता है। नानी, मेरे पास आपके लिए सुंदर तोहफा है। अरे, मेरी भी कोई उम्र है क्या तोहफे लेने की? नानी देखो तो। और समीर नानी की आंखों को बंद करता है और उनके हाथ में एक किताब रखता है। नानी आंखें खोलती है और किताब देखती है तो किताब पर लिखा था, सपनों का आशियाना बाय समीर। किताब के ऊपर समीर के नाना की तस्वीर बनी थी। नानी ये देखती ही भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। समीर, ये तो तेरे नाना की कहानियां है। हाँ नानी, मैंने नाना जी और आपके साथ बिताए हर पल को इस किताब में लिख दिया है। और इसके अलावा बचपन में नाना जी जो मुझे कहानियां सुनाते थे, मैंने वो सब भी अपनी किताब में लिखी है, और ये सिर्फ आपके लिए।
नानी ये सुनती ही समीर को गले लगा लेती है और उसका चेहरा सहलाती है। समीर का ये प्यार से भरा रूप अब रिया के मन को छूने लगा था। अब जा, मुझे तेरे नाना के साथ अकेला छोड़ दे और तू रिया को जगह दिखा दे। समीर रिया के साथ घूमने लगता है और घर के गार्डन में दोनों टहलने लगते हैं। ओहो, तो मिस्टर राइटर, तुम लिखते भी हो? क्यों, क्या मैं तुम्हें शक्ल से होशियार नहीं लगता? सच कहूं, शक्ल से तो तुम मुझे एक नंबर के बिगड़े हुए घमंडी और लोफर लगते हो। लोफर? रिया की बच्ची लोफर लगता हूँ मैं तुम्हें? रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें और समीर रिया के पीछे दौड़ने लगता है। रिया हंसते हुए समीर से बचकर गार्डन में ही भाग रही थी, तभी समीर पास पड़े पानी के पाइप को उठाकर रिया के ऊपर पानी फेंकने लगता है। रिया का शरीर पूरा भीग चुका था। समीर, पागल हो गए हो क्या? अब रुक भी जाओ। अच्छा, प्लीज स्टॉप। पर समीर नहीं रुकता है। तभी रिया भी एक पाइप उठाकर समीर की ओर पानी फेंकने लगती है और समीर भी पानी से तरबतर हो जाता है और रिया के करीब आगे आने लगता है। समीर रिया को कमर से थाम लेता है। क्या कहा, लोफर? जल्दी कहीं की। समीर, अच्छा बाबा सॉरी, तू पहले लोफर थे, अब तो अब क्या? बताओ रिया। सच बताऊं, अब तुम्हें जैसे जैसे जान रही हूँ ऐसे लग रहा है जैसे एक सख्त लड़के के दिल के भीतर एक मासूम डरपोक बच्चा कहीं छिप कर बैठा है और वो अपना दिल लगाने से डरता है। रिया की ऐसी बातों ने समीर को हिला दिया था। वह अचानक दूर हुआ और अंदर जाने लगा। नानी ये सब देख रही थी। समीर जैसे ही नानी के बगल में से गुजरता है, माई लिटिल लवर, मैं वो देख रही हूँ जो तू भी देखना नहीं चाह रहा। नानी, ये आप क्या कह रही हो? बेटा, मेरी आंखें जरूर बूढ़ी हो गई हैं, मगर अभी भी मैं तेरा मन पढ़ना अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, मगर इस बार तू खुद पता लगा समीर। अब जा, जाकर कपड़े बदल ले, सर्दी लग जाएगी। और नानी ये कहकर वहां से चली जाती है। रिया भी भीगी हुई कमरे में खड़ी थी, तभी नानी उसके पास एक लाल साड़ी लेकर जाती है। रिया बेटा, ले ये पहन ले, वरना तू बीमार पड़ जाएगी। पर नानी, मैं कैसे ये साड़ी? अरे, समीर की माँ की है, पहन ले। और रिया समीर की माँ की साड़ी पहनकर जैसे ही बाहर आती है, नानी और समीर दोनों रिया को देखते रह जाते हैं। समीर और नानी को रिया के अंदर सुषमा नजर आने लगती है। समीर आंख मसलता है, तभी रिया उसके पास आकर हाथ हिलाती है और तीनों बातें करने लगते हैं। तभी रिया को याद आता है कि उनके शिप के जाने का समय अब आ गया है और समीर जाने की तैयारी करता है। तभी रिया साड़ी बदलकर नानी को वापस करने लगती है। थैंक यू सो मच नानी, इतने प्यार के लिए। मैंने आज से पहले कभी किसी माँ का हाथ अपने सिर पर महसूस नहीं किया था, और आप तो माँ की भी माँ हो, नानी माँ। बेटी, ये साड़ी तू ही रख, आज तुझे इस साड़ी में देखकर लगा जैसे मेरी सुषमा मेरे सामने खड़ी हो। मैं चाहती हूँ तू अपनी शादी में यही साड़ी पहने। रिया ये सुनकर समीर की ओर देखती है और समीर उसे साड़ी लेने का इशारा करता है। रिया, रखो इसे मेरी बच्ची, क्या पता मैं फिर तुम्हें कुछ देने के लिए जिंदा भी बचू या नहीं। ये सुनते ही समीर और रिया दोनों रोते हुए नानी से लिपट जाते हैं और नानी उन्हें प्यार से वापस भेज देती है। समीर और रिया शिप पर लौटते हैं और रिया अचानक समीर के गले लग जाती है। मैं कुछ समझा नहीं। समीर, आज तुमने मुझे इतना प्यार दिलाया है ना कि मैं तुम्हारी कर्जदार हो गई हूँ। कल हम शहर पहुंचने के बाद अलग अलग हो जाएंगे, मगर इस कर्ज को मैं अपनी दोस्ती में सजाकर हमेशा अपने पास रखूंगी। क्या हुआ रिया, अपनी शादी में तुम यही साड़ी पहनना? रिया रिया मुस्कुराती है। समीर, मांगो, इस कर्ज के बदले मैं तुम्हें जो मांगना है मांगो। रिया, क्या तुम खुद को मुझे दे सकती हो? ये सुनते ही रिया फिर से समीर के चाटा मार देती है। समीर, तुम कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं।
रिया रोती हुई कमरे में चली जाती है, पर समीर वहीं खड़ा बस रिया की यादों को याद करता है। समीर के कानों में बार बार रिया के शब्द गूंज रहे थे। रिया कमरे में जाकर रोते हुए सैम की तस्वीर देखती है। नहीं रिया नहीं, ये क्या कर रही है तू? गलत इंसान से दिल लगाने की गलती मत कर। समीर बस हवा का छौका है जो कुछ पल अच्छा लगने के बाद गायब हो जाएगा। सैम ही तेरा भविष्य है। रिया बेचैन हो रही थी कि तभी पीछे से समीर वहां आ जाता है और रिया उसे देखते ही उसे धक्के मारने लगती है और फिर उससे लिपट जाती है। समीर क्यों हो रहा है ये सब? क्यों कर रहे हो तुम? तुम ख्याल में भी मुझे तंग करने आ गए ना? मगर देखो, अब मुझे तुम्हारी शैतानियों पर गुस्सा नहीं, प्यार आता है। आखिर क्यों? समीर तभी रिया का चेहरा ऊपर करता है। बस बस शांत हो जाओ। समीर, ये क्या तुम सच में हो? हाँ रिया, मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। इस सच से मुंह मत फेरो रिया, तुम्हारे दिल से मेरे दिल का रिश्ता अब जुड़ चुका है। रिया तभी समीर पर चिल्लाती है। नहीं, ये गलत है, एकदम गलत है। मुझे सिर्फ सैम से प्यार है और शादी भी मैं उसी से करूंगी, क्योंकि मुझ पर उसके इतने एहसान है और वो एक बहुत अच्छा लड़का भी है। ठीक है रिया, तुम्हारा यही फैसला है तो मैं कल तुम्हारी दुनिया से दूर जाने से पहले बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर तुम मेरी दी हुई ड्रेस पहन कर आओगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार है। हाँ हाँ, जाओ करो इंतजार, मैं नहीं आने वाली हूँ। सुना ना तुमने, मर भी जाऊंगी तो भी नहीं। तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, कैसा भी नहीं। चले जाओ मुझसे दूर, प्लीज चले जाओ। समीर वहां से चला जाता है। रिया पूरी रात बैठकर समीर के बारे में सोच रही थी। उधर बेचैन समीर रिया को उसकी दी हुई ड्रेस में देखना चाहता था। और अगला दिन आ गया। समीर बाहर खड़ा था, लोग आ रहे थे, भीड़ थी, मगर कहीं भी रिया का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये देख समीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लव सिटी की नई कहानी दिल से दिल का रिश्ता कैसा में है, प्यार का तड़का, जुदाई का गम और जिंदगी की चुनौतियाँ। देखिए आखिर रिया और समीर के हिस्से में क्या आने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।